हम हमेशा उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं, और वहाँ से इनकम आने के बाद अनचाहे काम को छोड़कर मन चाहे काम को करते रहें। हेलो ब्रेन बुक आर्मी, स्वागत है आपका ब्रेन बुक चैनल में, जहाँ पर आप देख सकते हैं चैप्टर वाइज कंप्लीट बुक समरीज। आज का ये वीडियो ब्रायन ट्रेसी की किताब मिलियन डॉलर हैबिट्स पर आधारित है, जिसमें आप सीखेंगे कि किन आदतों को अपनाकर आप जीवन में खुशी, कामयाबी और ज्यादा दौलत को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस वीडियो में बताई जा रही अनमोल जानकारी में खो जाएं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके अपने चैनल ब्रेन बुक पर मैं आपके लिए लाइफ चेंजिंग और इंस्पायरिंग बुक्स की कंप्लीट बुक समरीज लेकर आता हूं। तो अगर आपने अभी तक ब्रेन बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबा दें, ताकि आप देख सकें वीडियोस को सबसे पहले। इस किताब को अच्छी तरह और आसानी से समझने के लिए मैं इसके 10 चैप्टर्स को एक एक करके आपको डिटेल में बताऊंगा, और वीडियो के अंत में बताए गए सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को शॉर्ट में दोबारा दोहराऊंगा, ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको आसानी से याद रहें। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। चैप्टर 1, आप वही हैं जो आप करते हैं। इस चैप्टर में ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आप वही हैं जो आप करते हैं। यहाँ पर करने का मतलब आपकी प्रोफेशनल लाइफ से नहीं, बल्कि आपकी हैबिट से है। राइटर बताते हैं कि अगर आप जीवन में सफल होने का सपना देख रहे हैं तो सफल हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, आपको एक्शंस भी लेने होंगे। आपकी सफलता आपके एक्शंस पर डिपेंड करती है और एक्शंस आपकी हैबिट्स पर। आज प्रेजेंट में आप जो भी कुछ कर रहे हैं, आपकी जो भी अच्छी बुरी आदतें हैं, इन सब का 90% असर आपके आने वाले फ्यूचर पर पड़ने वाला है। आज हम जिन कामयाब लोगों को देखते हैं, उनको अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं और फॉलो करने का डिसीजन लेते हैं, उनके बारे में याद रखें कि वो सक्सेसफुल इसलिए हैं क्योंकि उनकी हैबिट्स अच्छी हैं। इसलिए हैबिट्स ही हैं जो हमें बनाती हैं और हैबिट्स ही हैं जो हमें बिगाड़ती भी हैं। राइटर एग्जाम्पल देते हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन जब छोटे थे, तब उन्होंने एक किताब पढ़ी थी, सिविलाइजेशन एंड रूल्स ऑफ सिविलाइज्ड बिहेवियर। उन्होंने इस किताब के सभी 110 नियमों को अपनी छोटी सी नोटबुक में लिखा। वो हर दिन उन नियमों को पढ़ते और एक एक करके उन्हें हर रोज प्रैक्टिस करते, जिसकी वजह से जब वो बड़े होकर पॉलिटिक्स में गए तो अच्छी आदतों की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा सफलता मिली। इसलिए हमें अच्छी हैबिट्स को प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि वो हमारी नेचर का एक हिस्सा बन जाए और जिस फील्ड में भी हम बनना चाहते हैं, हम उसमें सक्सेसफुल बन पाएं। चैप्टर 2, आपकी आदतें कहां से आती हैं। इस चैप्टर में राइटर कहते हैं कि इंसानी दिमाग के अंदर 20 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, और हम सब अपनी डेली लाइफ में इन सभी न्यूरॉन्स के एक छोटे से हिस्से को ही इस्तेमाल कर पाते हैं। तो जरा सोचिए, अभी हमारे पास अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने की कितनी ज्यादा संभावना है। जितने भी सफल लोगों को हम आज देखते हैं, उन सभी लोगों को अपनी फील्ड में सक्सेस इसलिए मिली क्योंकि वो सभी मेंटली स्ट्रांग थे। वो अपने जीवन में आने वाली प्रॉब्लम्स और सिचुएशन से लड़ना जानते थे, और ये सब उनकी लाइफ में अच्छी हैबिट्स की वजह से पॉसिबल हो पाया। हैबिट्स बनने के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए राइटर एक टिप भी देते हैं। वो कहते हैं कि ये समझें कि हमारी सोच हमारी किस्मत बदल सकती है। हम हमेशा उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं, इसलिए हमें पॉजिटिव सोचना होगा, ताकि हमारा दिमाग अच्छी चीजों को हमारी तरफ अट्रैक्ट करे। एग्जाम्पल के लिए राइटर अपनी कहानी बताते हैं कि जब वो पैसों और सफलता के बारे में सोचते थे तो उन्हें पैसे कमाने के मौके मिलते थे और वो ज्यादा खुश रहते थे। इसके उलट जब वो नेगेटिव चीजों के बारे में सोचते थे, तब पूरा दिन अपनी बॉडी में लो एनर्जी महसूस करते थे। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव चीजों और सफलता के बारे में सोचना चाहिए। चैप्टर 3, सफलता की मास्टर एक्टिविटी। इस चैप्टर में राइटर सफल लोगों के थॉट प्रोसेस के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि सफल लोग हमेशा हर समय अपने गोल के लिए ही सोचते हैं। वो हमेशा ये सोचते हैं कि वो कैसे अपने गोल्स तक पहुंच सकते हैं। वो हमेशा एक ऐसा डिसीजन लेते हैं
जो उन्हें उनके गोल तक ले जाता है। राइटर कहते हैं कि जीवन हमेशा हमें दो रास्ते देता है, एक आसान रास्ता और दूसरा सही रास्ता। ज्यादातर लोग आसान रास्ता चुनते हैं और आगे जाकर स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि आसान रास्ता कभी भी आपको वो प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटीज नहीं दे सकता जो आपको मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ साहसी लोग सही रास्ता चुनते हैं, जो हमेशा आसान नहीं होता। इस रास्ते पर लगातार चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स आते हैं जो आपको मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाते हैं। राइटर कहते हैं, इन सभी प्रॉब्लम्स को समझकर इनसे स्मार्टली डील करें, क्योंकि इन दिक्कतों का असली मकसद हमें स्ट्रांग बनाना है, ताकि हम अपनी लाइफ में हमेशा सफल होते रहें। असफल लोग हमेशा सफल लोगों के उलट सोचते हैं, वो नेगेटिविटी में जीते हैं। उन्हें लगता है कि जो वो चाहते हैं उन्हें वो कभी नहीं मिलेगा। वो सिर्फ सपने देखना जानते हैं, पर उन सपनों के लिए काम करना नहीं जानते, जिसकी वजह से वो कभी भी सफल नहीं हो पाते। असफल लोग शिकायत करते रहते हैं और दूसरों को दोष देते रहते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचते कि उनमें क्या कमी है जिसकी वजह से वो आज सफल नहीं है। राइटर कहते हैं कि सभी असफल लोगों में एक चीज हमेशा कॉमन होती है, और वो है कि असफल लोग किस्मत को दोष देते हैं। वो मेहनत से ज्यादा किस्मत में भरोसा रखते हैं, जो बिल्कुल गलत है। किस्मत हमारा तभी साथ देगी जब हम अपने लिए मेहनत करेंगे। ब्रायन यहाँ पर एक एग्जांपल देते हैं। वो कहते हैं कि मान लीजिए कि आपको महीने में 50,000 रुपए कमाने हैं, और आप हर समय सोचते हैं कि आप ये पैसे कैसे कमा सकते हैं, इसके क्या क्या रास्ते हैं, तो आप एक दिन जरूर 50,000 रुपए कमाने लगेंगे। चैप्टर 4, करोड़पति लोगों की आदतें। इस चैप्टर में ब्रायन कहते हैं कि आपका प्रोफेशन डिसाइड नहीं करता कि आप कितने पैसे कमाएंगे, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी और आपकी स्किल्स डिसाइड करती है कि आप कितना पैसा कमाएंगे। इसलिए हमें अपने स्किल्स पर काम करते रहना चाहिए। अगर आप अच्छी हैबिट्स अपनाते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोगों के सफल होने के चांसेस अक्सर और लोगों से ज्यादा होते हैं। ब्रायन एग्जाम्पल देते हैं कि हमने अक्सर देखा है कि कुछ लोग कम पढ़े लिखे होने के बावजूद और लोगों से ज्यादा सफल होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, और वो सभी आसान के बदले सही रास्ता चुनने को अहमियत देते हैं। ऐसी ही एक अच्छी आदत है बचत, यानी सेविंग्स। ब्रायन मानते हैं कि इंसान खुद आदतें बनाता है। बचपन में हम सभी ने अपने पेरेंट्स से बेसिक मैनर्स तो सीखे होते हैं, लेकिन हम जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं, हमें और अच्छी हैबिट्स की जरूरत होती है, और सेविंग करने की हैबिट उनमें से एक है। राइटर बताते हैं कि हमारे सामने जैसी भी सिचुएशन होती है, हम अपने आप को वैसे ही एडजस्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपनी मंथली इनकम का 20% बचाते हैं, तो आपको बचे हुए महीने में 80% खर्च करने की आदत हो जाएगी, और आपको इससे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जब आप बचत कर रहे हों, तो आप उसे बिल्कुल भूल जाएं, उसे अपने बजट में शामिल ना करें। राइटर यहाँ पर 60-40 का रूल समझाते हैं। वो कहते हैं कि आप अपनी मंथली इनकम का 40% सेव करें, उस 40% में से भी 20% इन्वेस्ट यानी निवेश करें, और बाकी 20% सेविंग्स करें, ताकि पैसा आपकी किसी इमरजेंसी में काम आ सके। बाकी के बचे हुए 60% से आप अपना खर्चा चलाएं। ब्रायन कहते हैं कि आपको अपने शुरुआती दिनों में फिजूल खर्ची से बचना होगा, नहीं तो आप बिल्कुल सेविंग नहीं कर पाएंगे। जब आपकी उम्र के सभी लोग कुछ नया ले रहे हों, जैसे महंगा फोन, तो आप अपने ऊपर कंट्रोल रखें और अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करते रहें। एक बार जब आप अपनी जरूरत से ज्यादा पैसिव इनकम कमाने लगें, तो अपने खर्चे इनकम के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। चैप्टर 5, आदतें जो आपको ज्यादा पे करती हैं और तेजी से मार्केटिंग करती हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में राइटर बताते हैं कि कुछ ऐसी हैबिट्स जिनको फॉलो करके आप ज्यादा पैसा भी कमा पाएंगे और जल्दी से अपनी कंपनी में प्रमोट हो सकेंगे, या जो बिजनेस आप करते हैं उसमें तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन पहले हमें ये समझना होगा कि हम किसी भी काम में तभी अच्छा कर सकते हैं जब हम उस काम को पसंद करते हों। हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था कि जीवन में सफल होने के लिए आपको ये जानना होगा कि आप क्या करने के लिए पैदा हुए हैं, और फिर वही काम करें जो
जो आप करने के लिए पैदा हुए थे। अगर आपको अपने काम से प्यार है तो आप ज्यादा पैसे कमाएंगे और तरक्की भी करेंगे। इससे आप इस बात का पता लगा सकते हैं कि जो काम आप अभी कर रहे हैं आपके करियर के लिए ठीक है या नहीं। अगर वो काम आपको पसंद है तो इसका मतलब है कि आप उसमें तरक्की जरूर कर सकते हैं। लेकिन अगर वो काम आपको पसंद नहीं है तो उसके साथ साथ कोई अपने मन पसंद का काम करना शुरू करें और वहां से इनकम आने के बाद अनचाहे काम को छोड़कर मन चाहे काम को करते रहें। ऐसे काम के ढूंढने के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए ब्रायन एक टिप देते हैं। अगर आप अपने प्रेजेंट काम से खुश नहीं हैं तो बिना सोचे समझे अपने उस काम को ना छोड़ें। आप पहले देखें कि आपका इंटरेस्ट क्या है, फिर अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड स्किल सीखें, नए काम को पार्ट टाइम शुरू करें, उसमें थोड़ी ग्रोथ मिलने के बाद अपने आज के काम को छोड़ दें। ऐसा करने से आपके नए काम में तरक्की करने की पॉसिबिलिटी और बढ़ जाएगी। ब्रायन ट्रेसी ने एक स्पेशल आदत डेवलप की जिसके कारण उनके करियर के शुरुआती दिनों में उनका प्रमोशन हुआ और ज्यादा कमाई भी हुई। ये आदत थी ज्यादा जिम्मेदारियां लेना। राइटर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक छोटी सी पोजीशन से की, लेकिन ट्रेसी इस पोजीशन से खुश नहीं थे। इसलिए उन्होंने अपने मैनेजर से बड़ी जिम्मेदारियां मांगी क्योंकि वो कुछ चैलेंजिंग करना चाहते थे। एक दिन मैनेजर ने ट्रेसी को एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया जो ट्रेसी के जॉब प्रोफाइल का हिस्सा नहीं था। फिर भी उन्होंने उस काम को पूरे मन से पूरा किया। ट्रेसी के काम और काम के प्रति उनके डेडिकेशन को देखकर मैनेजर हैरान रह गए। उसके बाद उनके पास एक के बाद एक बड़े प्रोजेक्ट आते गए। एक साल के अंदर ही ट्रेसी का प्रमोशन हो गया और ये सब कुछ ज्यादा जिम्मेदार बनने की आदत के साथ हुआ। इसलिए हमें भी जिम्मेदारी लेने की आदत को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। दोस्तों, लाइफ में सफल होने के लिए जो दो और बातें मैंने हैबिट्स टू चेंज योर लाइफ की बुक समरी कुकू एफएम ऐप पर सुनते हुए सीखी हैं, वो ये हैं कि पहला, आप अपने दिन का शेड्यूल कुछ इस तरह से बनाएं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकें, और दूसरी बात ये है कि आपका सारा दिन प्रोडक्टिव होगा या नहीं इस बात पर डिपेंड करता है कि आप सही समय पर उठते हैं या नहीं। जल्दी उठना आपको लाइफ में और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाता है। तीसरी हैबिट जानने के लिए आप कुकू एफएम ऐप इंस्टॉल कर हैबिट्स टू चेंज योर लाइफ की बुक समरी सुन सकते हैं। ऑडियो बुक्स ना सिर्फ हमारा टाइम बचाती हैं, बल्कि कुकू एफएम पर आपको मिलती हैं 1000 से भी ज्यादा बुक समरीज, इंस्पिरेशनल बायोग्राफीज और भी बहुत कुछ, वो भी सिर्फ एक बुक की कीमत में। और यही नहीं, इन ऑडियो बुक्स को आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी सुन सकते हैं। इस ऐप की सालाना सब्सक्रिप्शन 399 रुपए है, पर अगर आप सुनो 50 कोड को यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट, यानी कि अब आपकी सालाना सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 रुपए की होगी, जो कि रोज के 1 रुपए से भी कम है। याद रखें, ये स्पेशल 50% डिस्काउंट सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड है। तो देर मत कीजिए और इस स्पेशल डिस्काउंट का फायदा उठाकर अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव लाएं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टर 6, बड़े बिजनेसमैन्स की आदतें। इस चैप्टर में राइटर बिजनेसमैन और सक्सेसफुल लोगों की कुछ हैबिट्स बताते हैं। अपने मिशन या उद्देश्य के बारे में बहुत क्लियर बने। ब्रायन बताते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं, जो भी आपकी लाइफ का गोल है उसके बारे में बिल्कुल क्लियर बने। अगर आपका गोल हर दिन बदल जाता है तो आप अपने आप को पहले अच्छे से जानें और सोचें कि आपका इंटरेस्ट किस में है और आप उसे क्यों हासिल करना चाहते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्लियर लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ें। आप अपने ग्राहक को क्या देना चाहते हैं? राइटर बताते हैं कि अगर आप एक बिजनेस चलाते हैं तो पता लगाएं कि आप अपने कस्टमर्स को क्या देना चाहते हैं। इसके लिए ब्रायन एक सिंपल सी टिप देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपको नहीं पता कि आपका कस्टमर आपसे क्या चाहता है तो आप खुद को एक कस्टमर मान लीजिए और अपने आप से पूछें कि आपको क्या चाहिए। लोगों को ऑब्जर्व करें कि क्या वो भी यही चाहते हैं, फिर उसे पूरा करने में जुट जाएं। आप अपने बिजनेस में कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आप एक सफल बिजनेसमैन नहीं बन पाएंगे। आप अपने हर साल के अंत का प्रॉफिट सोच कर रखिए और फिर उसी को अपना टारगेट बनाकर बिजनेस कीजिए। अगर आपके गोल्स क्लियर हैं
तो आप सही डिसीजन लेने में सफल होंगे। उदाहरण के लिए आप अपने बिजनेस में एक लक्ष्य सेट कर सकते हैं, जैसे अपने ग्राहक को बेस्ट प्रोडक्ट्स देना और सर्विस प्रोवाइड करना, ताकि आपका प्रॉफिट हर साल लगभग 15% बढ़े। इस तरह आप अपने कस्टमर्स को क्या बेटर प्रोडक्ट्स सर्विस देना चाहते हैं और कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, इस बारे में क्लियर रहें। चैप्टर 7, पर्सनल इफेक्टिवनेस की आदतें। इस चैप्टर में राइटर बताते हैं कि एक अच्छी इनकम, एक अच्छी जॉब, एक प्यारा परिवार जिसके साथ आप बहुत खाली समय बिताते हैं, लेकिन ये सब तभी संभव है जब आप अपने प्रेजेंट में हार्ड और स्मार्ट वर्क करने के लिए तैयार रहें, वरना ये सब आपका एक सपना ही रह जाएगा। ब्रायन एग्जांपल देते हैं कि जुआन नाम का एक आदमी ब्रायन का स्टूडेंट था, जिसको लगता था कि सब कुछ एक साथ पॉसिबल नहीं है। इसलिए उसने ब्रायन से कहा कि मैं ऑफिस में 12 घंटे काम करता हूँ, लेकिन तब भी ना तो मेरी इनकम अच्छी है और ना मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता पाता हूँ। ब्रायन ने जुआन से एक लिस्ट बनाने को कहा। उस लिस्ट में वो पूरे दिन ऑफिस में जो काम करते हैं वो लिखने को कहा। जुआन ने कुल 16 कामों की लिस्ट बनाई जो वो ऑफिस में पूरे दिन करते थे। बाद में जब उन्होंने ब्रायन के साथ डिस्कस किया तो पता चला कि उन 16 कामों में से बस 10 काम ही करने जरूरी थे, बाकी के 6 काम तो फालतू में कर रहे थे। दोस्तों, जुआन की तरह हम भी अपने पूरे दिन में कुछ ऐसे काम करते हैं जो कि फालतू के हैं और उनका हमारे डिजायरेबल रिजल्ट्स यानी सफलता से कुछ खास लेना देना नहीं है। ऐसे कुछ कामों में जैसे फालतू में फोन चलाना या फिर जरूरत से ज्यादा टीवी देखना, ऐसे में हमें समझना होगा कि इस तरह के अनप्रोडक्टिव काम हमारी कीमती एनर्जी ले लेते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा उन्हीं कामों में लगाएं जिनसे मनचाहे रिजल्ट्स मिले, चाहे वो पर्सनल हो, फैमिली वर्क हो या प्रोफेशनल वर्क। राइटर कहते हैं कि अपने काम को कंसिस्टेंसी से करें, ताकि एक काम को पूरे फोकस के साथ अच्छी तरह से पूरा कर सकें, ना कि अनसक्सेसफुल लोगों की तरह एक काम से बोर होकर उसे अधूरा छोड़कर दूसरा काम करने लगें और फिर दूसरे को छोड़कर तीसरा। इसे हल करने के लिए राइटर एक टिप देते हैं जो कि है 45-18 का रूल। इसे काम करते वक्त जरूर अपनाएं, मतलब 45 मिनट लगातार काम करें, फिर 18 मिनट आराम करें और फिर हम उसी एनर्जी के साथ काम शुरू कर सकें। चैप्टर 8, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने की आदत। दोस्तों, हमारा लोगों से रिलेशन जीवन में कामयाबी और खुशी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। काम में अगर आपका बिहेवियर लोगों के साथ अच्छा है तो अपना काम करवाने के लिए वो बार बार आपके पास आएंगे और अंत में आपको प्रॉफिट होगा। और इसी तरह फैमिली और कुलीग्स के साथ भी हमारे रिश्ते अच्छे बनेंगे। इसलिए इस चैप्टर में ब्रायन हमें 3 बेहतरीन आदतों के बारे में बताते हैं जो हमारे सभी रिश्तों को बेहतर बना सकती हैं। पहली आदत एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस यानी दूसरों को स्वीकार करना। इसके लिए हमें अपने माता पिता, लाइफ पार्टनर, दोस्तों आदि की अच्छी आदतों के साथ साथ उनकी कमियों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए और उन्हें इम्प्रूव करने में जितना हो सके सपोर्ट करना चाहिए। इस तरह अगर हमारा स्वभाव सबको एक्सेप्ट करने वाला होगा तभी ज्यादा लोग हमसे जुड़ना और साथ रहना चाहेंगे। अपनी बात दूसरों को समझा पाना। राइटर कहते हैं कि अगर आप अपनी बात सामने वाले इंसान को नहीं समझा पाएंगे तो हमारा इम्प्रेशन उन पर गलत पड़ेगा और हो सकता है कि वो इस वजह से हमारे साथ बिजनेस ना करें। इसलिए हमें अपनी बातें दूसरों को समझानी आनी चाहिए। इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी बातों को कंफर्टेबल होकर अच्छे शब्दों का यूज करते हुए कहें, जैसे सर या मैडम आदि। दूसरों की सच्ची तारीफ करें। राइटर कहते हैं कि जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो उसे बहुत अच्छा लगता है। तारीफ सुनकर लोग ना सिर्फ पॉजिटिव महसूस करते हैं बल्कि और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए भी इंस्पायर होते हैं। तारीफ करने से आप दूसरों को उनके बारे में अच्छा फील कराते हैं और इस तरह रिश्तों में मजबूती बढ़ती है। लेकिन याद रहे कि आप हमेशा औरों की सच्ची तारीफ ही करें। अगर आप उनकी झूठी तारीफ करेंगे तो वो आपसे कुछ देर इम्प्रेस तो हो जाएंगे, लेकिन बाद में जब उन्हें असलियत का पता चलेगा तो वो आपको झूठा समझेंगे और आपका इम्प्रेशन उन पर गलत पड़ेगा। इसलिए लोगों की सच्ची तारीफ करें। चैप्टर 9, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आदतें। इस चैप्टर में ब्रायन हेल्थ रिलेटेड चीजों की बात कर रहे हैं।
वो कहते हैं कि अगर हम लाइफ में कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं तो उसमें हमारी हेल्थ का अच्छा होना बहुत जरूरी है। हम में से हर कोई चाहता है कि उसके पास एक स्वस्थ शरीर हो, वो हर बीमारी से दूर रहे, लेकिन हर कोई इसके लिए मेहनत नहीं करता। राइटर हेल्दी बॉडी के लिए 3 सफेद चीजों से दूर रहने के लिए बताते हैं। ये है चीनी, नमक और सफेद आटा। ब्रायन कहते हैं कि अगर हमें अपनी बॉडी को फिट रखना है तो हमें हर तरह के फास्ट फूड और जंक फूड से बचना होगा, क्योंकि जंक फूड में ज्यादा मात्रा में चीनी और नमक होता है जो हमारे शरीर और दिमाग के लिए हानिकारक होता है। सफेद आटे यानी मैदे से ब्रेड और पेस्ट्री बनाई जाती है जिसमें न्यूट्रिशन नहीं होता, जबकि साबुत अनाज स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि वो फाइबर, विटामिन और खनिजों से बने होते हैं। इसलिए हेल्दी फूड खाने को अहमियत दें और जंक फूड से बचने की कोशिश करें। दोस्तों, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बैलेंस्ड डाइट बहुत जरूरी है, इसलिए अपने खाने में ढेर सारी सब्जियों और फल शामिल करें, बीन्स और दालें भी ज्यादा खाएं। हमारे शरीर की ज्यादातर बीमारियां हमारी डाइट से ठीक हो जाती हैं। इसी के साथ साथ हर रोज एक्सरसाइज करें। चैप्टर 10, कैरेक्टर और लीडरशिप की आदतें। इस चैप्टर में ब्रायन हमें कैरेक्टर की इम्पोर्टेंस समझा रहे हैं। दोस्तों, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे कैरेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। जैसा हमारा कैरेक्टर होगा, लोग भी हमें वैसे ही ट्रीट करेंगे। राइटर बताते हैं कि बिजनेस की दुनिया में हमारा कैरेक्टर एक हेल्पर की तरह होना चाहिए, ना कि एक कॉम्पिटिटर की तरह। आप जो भी काम करें, कोलैबोरेशन में करें ताकि लोग आपको हमेशा अपने कामों में शामिल करें और आपकी तारीफ करें। आप कैसे चाहेंगे कि लोग आपको याद रखें? आपके इस दुनिया से जाने के बाद लोग आपको कैसे याद रखेंगे, ये सब आपके प्रेजेंट के कैरेक्टर पर डिपेंड करता है। अगर आप हमेशा लोगों के लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं, मिलकर आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, अच्छे से पेश आते हैं, तो वो आपको एक अच्छे इंसान के रूप में याद रखेंगे। जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो लोग आपके बारे में अच्छा बोलेंगे और आपके बारे में अच्छा सोचेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने आज के बिहेवियर पर ध्यान दें, इसलिए दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहें। आप लोगों से जितने अच्छे रिश्ते बना सकते हैं, बनाएं। एक और अच्छी आदत है, सफल लोगों की बायोग्राफी पढ़ें। पढ़ने की आदत हमारे जीवन में कई पॉजिटिव बदलाव लाती है। किताबों से हमें उन जरूरी पॉइंट्स के बारे में जानने का मौका मिलता है जो सफल लोगों के जीवन में होते हैं। यहाँ पर पढ़ने का मतलब सिर्फ स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई से नहीं है। इसके साथ साथ मॉरल वैल्यूज, सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड किताबों को पढ़ने से है। इसलिए सफल लोगों से सीखने और उनकी तरह बनने के लिए रीडिंग की आदत बनाएं। मिलियन डॉलर हैबिट्स बुक में हमने सीखा कि हैबिट्स की हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस है। अगर हम अच्छी हैबिट्स को प्रैक्टिस करेंगे तो लाइफ में खुश रहेंगे और कामयाब बनेंगे। इसी के साथ लाइफ में अच्छी हैबिट्स के साथ साथ अच्छा बिहेवियर और करेक्टर होना भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के अंत में मैं बताए गए सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा दोहराऊंगा, तो चलिए सारी इम्पोर्टेंट बातों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। ज्यादा समय खुशी, पॉजिटिविटी और कामयाबी के बारे में सोचें, लक्ष्य पर ध्यान रखें, आउट ऑफ दी बॉक्स सोचें, अपने मन पसंद काम करने की कोशिश करें, 45-18 रूल के साथ काम करें, हेल्दी फूड खाएं और एक्सरसाइज करें। अगर आप भी अच्छी हैबिट्स अपनाकर अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए डाउनलोड लिंक पर जाकर कुकू FM ऐप इंस्टॉल कर हैबिट्स टू चेंज योर लाइफ की बुक समरी सुन सकते हैं। अब इस पे वक्त मत गवाओ, अनलिमिटेड नॉलेज पाओ, सुनो अनलिमिटेड बाय कुकू FM। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मिलियन डॉलर हैबिट्स बुक पर बना ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्दी आपके लिए एक नया लाइफ चेंजिंग वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो।